नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के साथ अब वोटिंग की प्रक्रिया है जो है वो समाप्त हो गई है। आपको बताएं, बिहार नगर निकाय चुनाव के लिए दो चरणों में वोट डाले गए, जिसके फर्स्ट जो वोटिंग जो फर्स्ट फेज की वोटिंग थी वो 18 तारीख को हुई और आज यानी 28 तारीख को सेकेंड फेज की वोटिंग की गई। और आपको बताएं, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुल 68 नगर निकायों में जो है वोट डाले गए। लोग बड़े ही उत्साह में जाकर के वोट डाले। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, तमाम जितने भी सांसद मंत्री विधायक थे, सभी ने जाकर अपने मतदान का प्रयोग किया। साथ ही साथ आपको बताया, पटना में भी वोट डाले गए। आपको हम बताते हैं कि कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुए हैं, तो 50 प्रतिशत से भी कम जो है वोट डाले गए। और अब इस वोटिंग का जो रिजल्ट है वो 2 दिन बाद यानी 30 दिसंबर को आएगी। 30 दिसंबर को ही जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का जो है दरवाजा खुलेगा। उस दिन ही ये तय हो जाएगा कि पटना का मेयर कौन होगा। पटना नगर निगम चुनाव समेत राज्य के 68 नगर निकायों में आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया। सुरक्षा कारणों से गया के डोभी और फतेहपुर नगर पंचायत में वोटर शाम 3 बजे तक ही मतदान कर पाए। राज्य के 23 जिलों में दूसरे चरण के शांतिपूर्व और निष्पक्ष चुनाव के लिए 28,000 से अधिक जवानों की प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्रों में की गई। आपको बताया, राज्य में 17 नगर निगमों सहित 68 शहरों में मतदान हुआ। इसके लिए 7,088 बूथों और 286 चलंत बूथों पर मतदान की व्यवस्था की गई थी। दूसरे चरण में 1,665 पदों के लिए और 11,127 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आपको बताया कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 49.3% ही मतदान हुए। आपको बताएं कि मतदान को लेकर वोटरों में ही नहीं, वोटरों में काफ़ी उत्साह दिखा। अंतिम घंटों में छोटी कतार रही, लेकिन हाँ, लोग उत्साहित थे और अपने वोट देने, अपने वोट का प्रयोग करने आ रहे थे। कई जगहों में आधे से अधिक वोटर घर से निकले और हालांकि मौसम खराब थी, आज पटना का मौसम बेहद ही खराब था, लेकिन फिर भी लोग आए और वोट करके गए। आपको बताया कि बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो गई, जिसमें कुल 68 निकायों में मतदान चल रहा था। 30 दिसंबर को चुनाव की परिणामों का घोषणा हो जाएगा। आपको बताएं कि समस्तीपुर में 3 बजे तक ही मतदान हुए, जिसमें नगर निगम समस्तीपुर मतदान की जो प्रतिशत थी वो 83% थी। नगर पंचायत के लिए 55 और नगर पंचायत सिंधिया के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% ही वोट डाले गए। वहीं अगर हम सिर्फ और सिर्फ पटना की बात करें तो पटना नगर निगम में 3 बजे तक 24.74% वोटिंग हुई थी। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर पप्पू यादव कतार में लगे दिखे और अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आए। पप्पू यादव ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील भी की। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया। सुशील मोदी ने मतदान किया। वोट देने के लिए कतार में लगे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के वेटरनरी कॉलेज में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राजधानी में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ जाकर वोटिंग करके आए। और आपको बताया कि पटना नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग अब जो है वो समाप्त हो गई है। हालांकि कई सारे नगर निकायों में शांतिपूर्व तरीके से वोटिंग हुए, लेकिन नालंदा से ऐसी खबर आई कि नालंदा में जो है फर्जी वोट यानी वोकस वोट के कारण दो गुटों के बीच में जो है हाथापाई हो गई, हड़कंप मच गया, पत्थरबाजी तक हुई। और सिर्फ नालंदा ही नहीं, पटना में भी ऐसी खबर आई। पटना के कंकड़बाग में जहां जो है वोकस वोट को लेकर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं पटना के मेयर
पद की प्रत्याशी बिट्टू सिंह के वही पटना के मेयर पद की प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह के पति बिट्टू सिंह पटना के बूथ में उस बूथ पर पहुंचे जहां पर वोकस वोटिंग की कंप्लेन आ रही थी। तो देखिए ये कुल आज का जो नगर निकाय चुनाव हुआ इसे लेकर के ये हमने सारी आपको डिटेल बताई कि 50% से भी कम जो है वोट डाले गए। हो सकता है इसका असर मौसम के कारण, क्योंकि आज बिहार का मौसम भी बहुत ख़राब था, सारा दिन धुंध थी, लेकिन बड़े बड़े जितने भी नेता थे, चाहे खासकर बात कर ले अगर हम बिहार के उप मुख्यमंत्री या बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के जितने भी सांसद विधायक, ये सारे लोग जाकर अपने वोटों की अपने मताधिकार का प्रयोग किए। तो देखिए अब जो है आज दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, शाम 5 बजे समाप्त हुई जो कि शुरू हुई थी सुबह 7 बजे से, और अब 30 दिसंबर को इसका जो है काउंटिंग होगा और उस दिन ही पता चलेगा कि पटना का मेयर कौन होगा। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।